एक और एक कैटेगरी का इससे आप लोगों के लिए रिवाइज करवाने के लिए आ गया हूं, तो फटाफट से वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर देना। ऐसे 720 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बोले तो पैसों की इन्फॉर्मेशन, और एक होती है अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना कि अमाउंट एंड अदर आइटम्स दैट में बी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन में कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन आती है। तो पहली होती है अमाउंट की इन्फॉर्मेशन। सर मेमोरी क्या है इसकी, सीएसके की फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है। सर सुन लो, सबसे पहला सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय सेगमेंट और डिवीजन, यानी कि एक कंपनी उसके बहुत सारे सेगमेंट है, मान लो एफएमसीजी सेगमेंट है, टेक्सटाइल सेगमेंट है और सीमेंट का सेगमेंट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लिखेंगे सेगमेंट वाइज। उसके बाद क्या है ना सर, सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा लाइक इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बाय मेजर ऑपरेटिंग एरिया, सेल्स बाय ज्योग्राफिकल सेगमेंट और प्रोडक्ट लाइन। इधर भी वही है कि हम लोग क्या लिखेंगे ना, इनकम लिखेंगे या तो एरिया वाइज लिखेंगे, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि कौन से उनके ऑपरेटिंग एरिया है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट यानी वो भी क्या हो गया ना एरिया वाइज ही हो गया, और प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से लिखेंगे। प्रोडक्ट लाइन बोलते मेरा एफएमसी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और सीमेंट में कितना कितना क्या है सर, इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस कितना है। दो तरह की इनकम होती है, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, तो इसमें कौन सा लेना है अपने को, कंटिन्यूड ऑपरेशंस वाला लेना है। तीसरा क्या है ना, आइटम्स इन समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि इसमें हम क्या लिखेंगे, नेट इनकम लिखेंगे, अर्निंग पर शेयर लिखेंगे, डिविडेंड वगैरह की चीजें हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अगला आ जाओ सर, फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी में क्या होगा ना, अमाउंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स। एक होती है ऑन बैलेंस शीट आइटम्स जो कि बैलेंस शीट पे दिखाते हैं, एक होती है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो कि बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते हैं। तो जो नहीं दिखाते हैं ना, उनका एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट मेरे को बताना पड़ेगा, और अमाउंट इन्वॉल्वड इन गारंटी, लीगल, एनवायरमेंटल क्लेम्स एंड अदर कंटिंजेंसीज, यानी कि कंपनी है तो कंपनी ने जो भी गारंटीज दी है किसी को, या तो फिर उसकी जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, उन सब के बारे में मेरे को बताना पड़ेगा। तो पहला वाला किसके बारे में था सर, अमाउंट के बारे में था, जिसका मेमोरी टेक्निक था सीएसके की फाइनेंशियल गारंटी। अगला वाला क्या है ना, अदर आइटम्स के लिए, ठीक है, अदर आइटम्स के लिए मेमोरी टेक्निक क्या हमारी, सीआईडी की जनरल स्ट्रेटेजी। सर क्या है ना सर, सीआईडी, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एजम्पशंस। देखो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए बहुत सारे एजम्पशंस लगते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन अपने को देना पड़ेगा कि हर एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का, हर एक अकाउंटिंग एजम्पशन का क्या एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मेरे को करने पड़ेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, यानी मेरे चाचा भतीजा जितने भी मेरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसका मेरे को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स के बारे में, यानी कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो कि मेरे बैलेंस शीट पे नहीं दिखती है। उसके बाद जनरल स्ट्रेटेजी, तो जनरल क्या है ना, जनरल डिस्क्रिप्शन मेरे को देना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, यानी कि मैं अगर एफएमसीजी सेक्टर में हूं तो मेरा बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, मेरे लीगल फैक्टर्स कौन से, मेरे कॉम्पिटेटर्स कौन है, ब्रिटानिया वाला मेरा कॉम्पिटेटर क्योंकि वो भी बिस्किट बनाते हैं, मैं भी बिस्किट बनाता हूं। उसके बाद स्ट्रेटेजी में ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी कि मेरी क्या है बिजनेस स्ट्रेटेजी, उसका मेरे को ओवरव्यू देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अदर इन्फॉर्मेशन में आती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि देखो सर इसमें दोनों पूछा है, प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट जो है ना, बड़ी गलतियां जो कि मेरे अदर इन्फॉर्मेशन में ना, उसको ऑडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो पहला स्टेप के बारे में बात करूंगा और बाद में सेकंड स्टेप के बारे में बात करूंगा। पहले स्टेप में क्या है ना, रिक्वेस्ट करेंगे हम मैनेजमेंट को कि प्लीज अपनी अदर इन्फॉर्मेशन के मटीरियल मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दो। मैंने क्या बोला, रिस्पॉन्ड कैसे करें हम मटीरियल मिस स्टेटमेंट को, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा मैनेजमेंट को कि तू करेक्ट कर दे अदर इन्फॉर्मेशन को। अब मैनेजमेंट ने अगर अग्री कर लिया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैनेजमेंट ने एग्री नहीं किया ना तो मैं जाके टीसीडब्ल्यूजी को, यानी कि बड़े साहब को क्या करूंगा सर, कंप्लेन करूंगा। ये फर्स्ट स्टेप हमारे इधर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट अगर ये हो रहा है तो क्या करें हम, और आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट हो रहा है तो क्या करें हम, ठीक है। अब सुन लो, अगर तो प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट है ना, तो जब भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड आफ्टर कम्युनिकेटिंग टू पीसीडब्ल्यूजी, यानी यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, बड़े साहब को आपको कंप्लेन करनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर मामला सॉल्व नहीं हुआ ना, तो ऑडिटर क्या करेगा ना, इंप्लीकेशन देखेगा ऑडिटर रिपोर्ट पे और कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को कि अब मैं क्या करने वाला हूं। यानी ऑडिटर क्या बोल रहा है ना टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई टीसीडब्ल्यूजी मैंने तो तेरे को बता दिया, तूने इस पे एक्शन नहीं लिया, अब तू देख मैं क्या करने वाला हूं, वो ये बताएगा। और अगर सब कुछ चीजें खत्म हो गई और तभी भी ऑडिटर की बात नहीं चल रही है ना, तो ऑडिटर विड्रॉ कर देगा एंगेजमेंट में से, यानी कि वो चला जाएगा छोड़ के इस एंगेजमेंट को। तो ये था क्या सर, प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा ना, वो समझ लो, ऑडिटर है ना, अगर तो अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो गई ना, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा नेसेसरी प्रोसीजर्स, और अगर तो अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी ना, तो वो ब्रिंग करेगा मैटर टू यूजर्स अटेंशन, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट में दिखा देगा और यूजर्स के अटेंशन में वो बात आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ, एक्स कंपनी है, डाउनवर्ड ट्रेंड हो रहा है मार्केट प्राइस ऑफ की कमोडिटी और रॉ मटेरियल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी कि हमारी जो मार्केट प्राइस कमोडिटी उसका दाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है। ऑडिटर ने यह बात टीसीडब्ल्यूजी को बताई, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी ने क्या बोला कि ऑडिटर ऑडिटर तू इसमें मत पड़े, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या टीसीडब्ल्यूजी करेक्ट है क्या? अब सुन लो सर, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड इन मार्केट प्राइस ऑफ की कमोडिटी, ये अदर आइटम का क्या है सर, एग्जांपल है, ये पूरा का पूरा एसे किस बारे में, अदर आइटम के बारे में। तो ये एक अदर आइटम का पार्ट है। सबसे पहले मेरे को फर्स्ट स्टेप लिखनी है इस क्वेश्चन में आंसर टू की। सर फर्स्ट स्टेप माने के देखो सर, फर्स्ट स्टेप कहां से कहां तक है, यहां से चालू हो रही है और लाइन मैंने करी है ना, वहां तक वो फर्स्ट स्टेप खत्म हो जा रही है, वो अपने को लिखना है। और एंड में मेरे को उसका कंक्लूजन क्या देना है ना, कि टीसीडब्ल्यूजी का कंटेंशन गलत है,
यानी कि TCWG जो बोल रहे हैं ना कि ऑडिटर ऑडिटर तू इस मामले में मत पढ़, मैंने बोला नहीं सर ऑडिटर को इस मामले में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्विक रिवीजन। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट।